सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं। यही बात आज यूक्रेन ने भी कही। यूक्रेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, किसी और देश की बात सुने ना सुने, किसी और नेता की बात माने ना माने, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे बातचीत करनी चाहिए। और ये न केवल उन 20,000 भारतीय बच्चों के लिए बातचीत होनी चाहिए जो यूक्रेन में अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, बल्कि शांति बहाली के लिए यह बातचीत होनी चाहिए। और खबर अब ये आ रही है कि ये बातचीत आज रात ही हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अभी हाल ही में दोनों राजधानी दिल्ली में मिले थे, जब एक समिट लेवल इंडिया रशिया समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे और इतना लंबा सफर उन्होंने तय किया महज 6 घंटे की इस मुलाकात के लिए और फिर वो वापस गए, क्योंकि भारत और रूस के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, पारस्परिक मित्रता है और ये मित्रता अभी से नहीं एक अरसे से चली आ रही है। 50 के दशक से ये मित्रता बढ़ी, 70 के दशक में और ये मित्रता गंभीर हुई। और मेरे पीछे जैसा आप अभी सुन सकते हैं, ये जो गड़गड़ाहट आपको लगातार नजर आ रही है, ये गड़गड़ाहट दिखाती है कि किस तरह से इस समय यहाँ तनाव बढ़ता जा रहा है और बमबारी बढ़ती जा रही है डॉनबास के इस इलाके में जहाँ इस समय हम हैं। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या आज शाम को या आज रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होगी और इस बातचीत के जरिए जो 20,000 भारतीय बच्चे यहां पर यूक्रेन में हैं, उनको सुरक्षित भारत लाने का रास्ता क्या अभी निकाला जा सकेगा, क्योंकि अभी यूक्रेन की एयर स्पेस पूरी तरह से सील्ड है। ये आदेश तो यूक्रेन ने दिया है। यूक्रेन भी भारत का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और लगभग 30-40 वर्षों से ये मित्रता 1991 के बाद से ये मित्रता 30 वर्षों से लगातार और मजबूत हुई है। न केवल क्योंकि भारतीय बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बल्कि इसके अलावा इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आईटी सेक्टर में दोनों ही देशों का कोऑपरेशन बढ़ रहा है। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सेना का एक और कॉन्वॉय अब यहाँ आता जा रहा है। ये दिखाता है कि कितनी तेजी से यहाँ पर सेना का जमावड़ा इस क्षेत्र में निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं वो आपको दिखाती है कि यहाँ पर गोलीबारी और टेंशन बढ़ा है। और मेरी सहयोगी गीता मोहन अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गीता, यूक्रेन के राजदूत ने यह गुजारिश की कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें, वो किसी और की बात सुने ना सुने, प्रधानमंत्री को वो बहुत मानते हैं, आज क्या बात होने की संभावना है और चर्चा से क्या निकलने की उम्मीद है? गौरव, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजिंग था आज जब यूक्रेन के राजदूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो जो स्टैचर है वो इतना बड़ा है और जिस तरीके से भारत और रूस के रिश्ते बढ़ रहे हैं उसमें भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वहीं हमने देखा कि विदेश मंत्री ने अपने यूरोपियन पार्टनर से बात की और अब खबर आ रही है, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद शायद प्रेसिडेंट पुतिन से बात करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव चल रहा है, जो टेंशन्स है, वो बस उसका इम्पैक्ट बस यूक्रेन और रूस तक नहीं सीमित होगा, रीजनल सिक्योरिटी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगी। और वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें तो ग्लोबल सिक्योरिटी को भी काफी धक्का लग सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात करने वाले हैं। गौरव, ये खबर आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है कि कितने बजे होगी ये बातचीत, लेकिन यूक्रेन के मसले पर बातचीत होगी। टू डिफ्यूज टेंशंस भारत एक रोल प्ले करने वाला है, ये तब जब यूक्रेन ने कहा कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है और इस रोल को वो हल्के में नहीं ले सकता, अपने पोजिशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए अब यूक्रेनियन एनवॉय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद खुद राष्ट्रपति पुतिन से बात करें।